निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कल का मार्केट हम लोग देखते हैं, कल 1 अगस्त है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिन निफ्टी के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो फिन निफ्टी का एक सेपरेट एनालिसिस का वीडियो मैं डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग निफ्टी देखते तो निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए निफ्टी का अभी क्या है, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को अभी आपको कंसिडर करना है, इसको ही मार्केट मेंटेन कर रहा है। ऊपर अगर हम लोग इस लेवल को देखते हैं तो यहाँ पर आपका बन रहा है 19,780, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट खुलने के बाद इस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगा पहले, उसके बाद रिजेक्शन होने का चांसेस मार्केट में आपका बन रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है 780 के बाद, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 19,750 के नीचे जब मार्केट आएगा तो आपका पुट में एंट्री रहेगा। और कहाँ तक जा सकता है मार्केट, यहाँ पे आपका बन रहा है 19,685 के अराउंड आपका यहाँ पर टारगेट बनेगा। तो यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट 50 एमए के यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टारगेट 1 के हिसाब से आपका 19,685 का मार्केट एग्जैक्टली बन रहा है। अगर मार्केट 50 एमए का, ये जो आपका 50 एमए दिख रहा है, इसका भी ब्रेक करता है तो इमीडिएटली मार्केट कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 19,614 आपको दिख रहा है, मतलब 600 तक मार्केट अप्रोच करता है, कर सकता है। तो टारगेट 2 के हिसाब से आप 19,614 तक कंसीडर कर सकते हो। ऊपर का क्या है, मार्केट जब तक 19,780 के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर सी पे कोई पोजीशन नहीं बनेगा। तो 19,780 के ऊपर जब जाएगा तो आपको यहाँ पर सी पे पोजीशन बन सकता है। तो जो है अप टू कितना दूर, 19,820 आपका टारगेट 1 के हिसाब से कंसीडर होगा, तो इस ये आपका अभी रेजिस्टेंस 1 के हिसाब से भी कंसीडर हो रहा है, राइट। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियो में भी मैं बता रहा था कि जो नेकलाइन है अभी हेड एंड शोल्डर का, तो राइट, तो इस लेवल का 19,850 जो आपका दिख रहा है तो वही आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर का है। तो अभी आपको पी में अगर हम लोग देखते तो इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर कंसीडर कीजिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी देखते तो बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है। लास्ट डे हम लोग बात कर रहे थे मार्केट 45,656 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम लोग बुलिश के हिसाब से कोई पोजिशन यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आज अगर हम लोग देखते तो मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर बंद हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है मार्केट में, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो मार्केट में आपका एंट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट 45,680 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगा। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको फॉलो अप पे एंट्री मिलेगा, और एटलीस्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं, 2 टारगेट यहाँ पर बनेगा। ये आपका टारगेट 1 के हिसाब से कंसीडर होगा जो है 45,775, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपका बनेगा 45,880 के आसपास मार्केट में ऊपर का आपको टारगेट बनेगा, राइट। तो अभी अगर हम लोग नैसडेक डाउ जोन्स देखते हैं, देखिए नैसडेक यहाँ पर डाउ जोन्स -22 यहाँ पर दिखा रहा है, और नैसडेक पर आप देख पा रहे हैं देखिए 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नेगेटिव में बंद हो जाता है तो मार्केट में अभी भी रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा आपका 45,656, यही आपका रेजिस्टेंस हिसाब से कंसीडर होगा। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस हम लोग बात करें तो आप इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हिसाब से तो कंसीडर करिए 45,775। नीचे का रिजेक्शन क्या है, मार्केट हो सकता है 45,600 पे आने के बाद थोड़ा स्टे करे, उसके बाद मार्केट में पॉसिबल रिजेक्शन कहाँ तक हो सकता है, पहला टारगेट उसमें आ जाएगा आपका 45,000, पहला तो 500, देन 45,400 अप टू 45,200 अगर यहाँ पर तगड़ा वाला आपको रिवर्सल दिखता है तो, लेकिन एटलीस्ट हम 45,400 तक यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट 2 के हिसाब से कंसीडर होगा, ये आपका टारगेट 1, मतलब 45,500 आपका टारगेट 1 के हिसाब से तब कंसीडर होगा। ऊपर क्या है, ऊपर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अभी का रेजिस्टेंस अगर देखते तो 45,883 का जो मार्केट है वही आपको कंसीडर करना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखते तो ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है, ऑप्शन चेन पे देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 19,800 तो यहाँ से भी स्क्वायर अप हुआ है, तो यहाँ से काफ़ी सारे आज स्क्वायर अप हुआ है क्योंकि मजबूरी था इनका, तो इसीलिए यहाँ से कॉल पर लोगों ने स्क्वायर अप कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इसको ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ से 3718 तो ऑलमोस्ट कॉल पे आपको काफ़ी सारे स्क्वायर अप दिखाए हैं यहाँ पे, राइट। तो 19,800 अगर हम लोग बिल्डअप के हिसाब से देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर बन रहा है, अगर उसके बाद हम लोग नीचे देखते तो 19,600 आपका सपोर्ट बन रहा है। तो इस लेवल पे ही मार्केट आपको दिखेगा कल, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि जैसे मार्केट ऑलमोस्ट 700 के ऊपर है तो यहाँ से रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है, राइट। तो अगर हम अभी बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं अभी 656 पे मार्केट बंद हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अब 45,600 पे क्या बिल्डअप है, 45,600 पे यहाँ पे 115,000, यहाँ पे 108,000, तो ऑलमोस्ट दोनों तरफ सिमिलर बिल्डअप आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग अभी 45,500 देखते तो यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर हो रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर आने के बाद आपको स्टे करे, मतलब इस लेवल को टूटने में थोड़ा यहाँ पर टाइम लगे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 158,000। लेकिन ऊपर अगर हम लोग बिल्डअप देखते हैं, ऊपर काफ़ी सारे बिल्डअप यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। तो उसका हिसाब अगर हम लोग ऊपर का देखते हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं, कौन सा 45,800 को हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो 45,800, उसके बाद नीचे जो है 45,500, इसका अगर ब्रेक होता है तो अप टू मार्केट 300 या फिर 200 तक भी जा सकता है, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली अभी बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।